दिल्ली की स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था को लेकर अरविंद केजरीवाल जिस तरह से दावे करते हैं, उससे तो यही लगता है कि दिल्ली में केजरीवाल के सत्ता में आने से पहले न कोई अस्पताल था और न स्कूल। दिल्ली के बच्चे पढ़ते नहीं थे, दिन भर गलियों में कंचे खेलते थे, अस्पतालों में लोगों का इलाज नहीं होता था, लोग ऐसे ही भटकते रहते थे। जितने स्कूल्स थे वे सब टीन की छतों वाले थे, अस्पतालों में बेड नहीं थे। केजरीवाल सत्ता में आए तो बड़े बड़े स्कूल्स बने, अस्पतालों के भवन बने, डॉक्टर्स आए, दवाइयां आई और बच्चे स्कूल में पढ़ने जाने लगे, अस्पतालों में वर्ल्ड क्लास इलाज होने लगा। ये सब अरविंद केजरीवाल के दावे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि मनीष सिसोदिया को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री बताया जा रहा है, उनका बेटा विदेश में पढ़ता है। रही बात अस्पतालों की, तो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के पद पर रहते हुए सत्येंद्र जैन अपना इलाज मैक्स में करवाया करते थे। मनीष सिसोदिया की पत्नी की बीमारी पर लाखों रुपए निजी अस्पताल में खर्च हो गए। मतलब साफ है, केजरीवाल और उनके मंत्रियों का भरोसा अपने ही वर्ल्ड क्लास अस्पतालों पर नहीं है। एक आरटीआई से इस बात का खुलासा हुआ कि मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी निजी अस्पतालों में बेतहाशा खर्च करते हैं। आरटीआई से प्राप्त सूचना के मुताबिक सिसोदिया की पत्नी ने निजी अस्पताल में इलाज पर पिछले 10 साल में 2013-14 से लेकर 2023-24 तक 33,29,457 रुपए खर्च किए। आरटीआई से मिली सूचना के अनुसार मनीष सिसोदिया की पत्नी का इलाज 2014 से अपोलो अस्पताल में चल रहा है। इस दौरान वह दर्जनों बार अस्पताल में भर्ती रही, उनके इलाज पर मोटा पैसा खर्च हो चुका है। कोरोना काल में भी दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा अस्पताल एलएनजीपी अस्पताल को नोडल अस्पताल बनाया गया था। इसके बावजूद जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल कोरोना से संक्रमित हुई तो उनका इलाज एक निजी अस्पताल में कराया गया। इसी प्रकार पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का इलाज भी मैक्स अस्पताल में हुआ। सिसोदिया की पत्नी सीमा सिसोदिया मल्टीपल स्क्लेरोसिस बीमारी से ग्रसित हैं। इस बीमारी का इलाज दिल्ली सरकार के एम्स के अलावा आरएमएल और सफदरजंग अस्पताल में उपलब्ध है, लेकिन वह इसका इलाज अपोलो अस्पताल से करवा रही हैं। हालांकि एलएनजीपी अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार की देखरेख में सीमा सिसोदिया का कुछ समय इलाज भी चला था, लेकिन वह इस व्यवस्था से असंतुष्ट होकर अपोलो अस्पताल में भर्ती हो गयी, जहाँ उनका 10 वर्षों से इलाज चल रहा है। The report, News of India.